हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हम लखनऊ खंडपीठ से सीधे लाइव हाजिर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट जानने के लिए, बताने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। देखिए, कोर्ट नंबर 23 में हमने बताया था कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखिए, कोर्ट रूम में मौजूद हैं लगभग सभी लोग। केस शुरू हो चुका था, कोर्ट रूम में विपक्ष के अधिवक्ता मौजूद थे। केस शुरू, एलपी मिश्रा अपना पक्ष रख रहे थे। एलपी मिश्रा बीएड के खिलाफ बहस कर रहे थे। जी हां, वो बीएड के खिलाफ बहस लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कटाव बाद में डिसाइड की गई, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो कटाव बाद में डिसाइड नहीं की जानी चाहिए थी, पहले ही डिसाइड कर ली जानी चाहिए थी। हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनकी जो तैयारी थी उस पर प्रभावित हुई है। बाद में अगर पहले कटाव डिसाइड कर ली गई होती तो हमारे शिक्षा मित्र पहले से तैयारी कर लिए होते, ये बात आ रही है। उसी तरह हिसाब से तैयारी करते 90-95 के हिसाब से, 90-97 की कटाव के हिसाब से, लेकिन ये बाद में कटाव डिसाइड करके, ये एक नीति थी सरकार की, चाल थी शिक्षा मित्रों को बाहर करने का कि वो शिक्षा मित्र को बाहर कर दें। इसीलिए पहले से कटाव डिसाइड नहीं की गई थी। सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा मित्र शिक्षक बन पाएँ, इसीलिए उन्होंने बाद में कट ऑफ डिसाइड किया। और पिछली बार जो कट ऑफ डिसाइड की गई उससे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रखी गई थी। तो इसी पे मुद्दा काफ़ी बहस गर्मा गर्म बहस रही है। पिछली जारी है, सुनवाई जारी है, पिछले तर्कों को दोहरा रहे हैं विपक्षी वकील और बार बार कह रहे हैं कि ये धोखा हुआ शिक्षा मित्रों के साथ। तो आज देखिए, अभी तक जो बहस चल रहा है उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आज ही फैसला रिजर्व होने की उम्मीद है। अभी कुछ अपना तर्क, आज सरकारी वकील पूरी तरह से अभी तक शांत हैं। हमको लगता है जो भी कल जो योगी जी के साथ बैठक हुई थी उसके बाद उनको जो भी निर्देश मिला है उसी हिसाब से आज वो शांत दिख रहे हैं। अभी तक अपना पक्ष वो नहीं रखे हैं, एलपी मिश्रा ही अपने बात को जारी रख रहे हैं। तो पल पल के अपडेट्स के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी बहस अगले जो होती है उसको हम आपके साथ तुरंत लेके शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।